हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं इस जीकैम के सेटअप की तरह से पिक्सल 7 जैसा फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस ये जो जीकैम के साथ जो एक्सएमएल फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके साथ जो पर बेटर डायनेमिक रेंज, ज्यादा बढ़िया सैचुरेशन के साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रू टोन जैसा फीचर्स भी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जीकैम है इस गूगल कैमरा के साथ पिक्सल 7 जैसा फोटो को क्लिक तरह से क्लिक करते हैं उसके बाद में वीडियो है, तो वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सभी डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप सिंपली जो जीकैम है प्लस जो एक्सएमएल फाइल उस सब चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं MTSL कैम को, एंड यहाँ पर हम Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए ये जो XML फाइल जो है पर काम कर जाएगा। आप आपके डिवाइस के लिए जो XML फाइल उसे आप जो है इम्पोर्ट कर सकते हो। नंबर बात कर लेते हैं ये जो MTSL कैम गूगल कैमरा के साथ किस तरह से यहाँ पर जो है XML फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। सबसे पहले XML फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसमें जाके सिंपली यहाँ पर जो ओके में टैप करना होगा। ओके में टैप करने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाके ये जो फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। तो आप सिंपली अगर आप चाहो तो अलग से इस फोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये जो फोल्डर है इसे क्रिएट करने के बाद सिंपली जो एक्सएमएल फाइल इसे जो है सिंपली यहाँ पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है कॉपी करके यहाँ पर जो है इस फोल्डर में पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद जो है आप सिंपली MTSL कैम के ऊपर इस XML फाइल को जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो सिंपली इस फोल्डर के ऊपर इस XML फाइल को यहाँ पर जो है कॉपी कर दिया है। उसके बाद फिर से MTSL कैमरा का जो बिल्ड है इसे ओपन करते इस जीकैम को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद जो कुछ इस तरह से जो XML फाइल यहाँ पर जो लोड हो गया है सिंपली यहाँ पर जो है ओके में टैप करना होगा। ओके में टैप करने के बाद जो कुछ इस तरह से जो यूजर इंटरफेस देने को मिल गया है इस गूगल कैमरा के साथ, काफी बढ़िया बात है। नंबर बात कर लेते हैं ये जो XML फाइल इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ट्रू टोन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्किन टोन के साथ जो आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ट्रू टोन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस XML फाइल के साथ, प्लस यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर ज्यादा सैचुरेशन देने को नहीं मिलेगा, जो नेचुरल कलर है देने को मिल जाएगा इस XML फाइल के साथ। प्लस यहाँ पर जो वाइट बैलेंस है काफी बढ़िया तरीके से सभी टाइम काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है काफी ज्यादा परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस XML फाइल के साथ जो काफी बढ़िया परफेक्ट डायनेमिक रेंज देने को मिल जाएगा। प्लस जो सैचुरेशन एंड जो कॉन्ट्रास्ट है इसमें आपको जो है बैलेंस देने को मिलता है, ना ही ज्यादा सैचुरेशन ना ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देने को मिलेगा फोटो के साथ। प्लस जो माइक्रो लेंस एंड वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप सिंपली वाइड एंगल लेंस यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। एंड अगर बात करें फोटो के बारे में तो यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर ज्यादा नॉइज देने को नहीं मिलेगा। प्लस जो डीलिंग है और भी ज्यादा डीलिंग देने को मिल जाएगा, एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है क्लीन इंटरफेस देने को मिल जाएगा। प्लस जो है पर स्किन टोन के ऊपर स्पेशली सेल्फी कैमरे के ऊपर जो माइनर इंप्रूवमेंट देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो सेल्फी कैमरे के ऊपर जो शेडो एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro मैक्स के लिए ये जो XML फाइल आप जरूर से ट्राई करें, देखो MTSL कैम के साथ कुछ इस तरह से इस भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का प्लस XML फाइल का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर रिसेंटली गूगल कैमरा 8.7 का जो फास्ट लुक का वीडियो, प्लस यहाँ पर जो जीकैम 8.7 के साथ गूगल कैमरा 8.6 का एक कॉम्पेरिजन वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग जीकैम का जो वीडियो है उसमें आप चेकआउट करके देख सकते हो। नंबर बात कर लेते फोटो क्वालिटी के बारे में, किस तरह से यहाँ पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकैम के साथ। तो यहाँ पर जो जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है सिंपली फोटो क्लिक करते यहाँ पर जो है इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ फोटो को क्लिक किया है इस गूगल कैमरा के साथ, तो यहाँ पर हमने जो है मेन लेंस से कुछ इस तरह से फोटो को क्लिक किया है, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है मेन लेंस के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। जो डीलिंग है काफी बढ़िया है, प्लस ज्यादा नॉइज भी देने को नहीं मिल रहा है फोटो के ऊपर। एंड यहाँ पर जो है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ज्यादा सैचुरेट
फोटो देने को नहीं मिलते हैं, बल्कि नेचुरल कलर देने को मिल गया है। अगर बात करें पर माइक्रो लेंस के बारे में कुछ इस तरह से माइक्रो लेंस के साथ जो है कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइड एंगल लेंस थे सभी टाइम काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, प्लस जो डायनेमिक रेंज रहेगा वो भी काफी बढ़िया परफेक्टली काम करेगा। एंड यहाँ पर जो है सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो है बैलेंस देने को मिल जाती है कुछ इस तरह से ये सभी ऑप्शन से। यहाँ पर माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है शायद अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का लिंक रहेगा। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्डर्स तो एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस को जो है एंड्रॉयड 13 को इंस्टॉल किया है। एंड्रॉयड 13 के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्डर काम कर जाएगा काफी बढ़िया बात है। प्लस इस जीकैम के साथ जो है इस तरह से इसी ऑप्शन से पर एचडीआर मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है नाइट लाइट मोड का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें पर जो पोर्ट्रेट मोड के साथ फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, नाइट लाइट मोड का ऑप्शन है, एचडीआर मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है एचडीआर एनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नाइट लाइट मोड की अगर बात करें, नाइट सर मोड की अगर बात करें पर जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है। यहाँ पर टाइमर के ऊपर 3 सेकंड 10 सेकंड का ऑप्शन है। फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार इन्फिनिटी ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पर जो है फुल एचडी 30fps, फुल एचडी 60fps, 4K 30fps, 4K ऑटो fps, 4K 60fps का ऑप्शन है। पर जो है 4K 60fps का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अगर आपके डिवाइस पर 4K 60fps का सपोर्ट है। तो ये पर वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन है देख सकते हैं बच्चे। वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर जो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो काफी बढ़िया वीडियो स्टेबलेशन देने को मिल जाएगा इस गूगल कैमरा के साथ। यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है। टाइम लैप्स की अगर बात करें 1x, 5x, 10x, 30x, 120x का ऑप्शन है। पर जो टाइम लैप्स मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस अगर बात करें पर स्लो मोशन के बारे में, पर जो 1/4x का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, तो पर जो स्लो मोशन के ऊपर 1/4x का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो शायद 1/8x का जो ऑप्शन है, पर 1/8x का जो ऑप्शन है ये भी शायद काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैनोरामा फोटो स्पायर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो स्पायर मोड का जो ऑप्शन से काफी बढ़िया है, इसे भी ऐड किया गया है। 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो फोटो स्पायर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। पर पैनोरामा मोड के साथ जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। या पर मोड सेटिंग्स के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन है, पर जो है ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। या पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को ऐड किया गया है, जैसे ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, पर लिप पैचर का ऑप्शन है। या पर जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। सिंपली पर जो डार्क मोड को एनेबल करते हैं एंड इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन, कैमरा टेप सेटिंग्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर व्यू फाइंडर के ऊपर नॉइस को जो है नॉइस मोड का ऑप्शन है, एज मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, पर जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर रॉ फॉर्मेट सेटिंग्स का ऑप्शन है, हाईलाइट फिक्स का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, नाइट विजन का ऑप्शन है, पर एचडीआर एनहांस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नाइट विजन फ्रेम का ऑप्शन है। एचडीआर मोड के साथ जो फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, फोटो के ऊपर काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। पर जीपीजी क्वालिटी का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, मॉडल एचडीआर इंटरफेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो पिक्सल 6 का जो है एचडीआर मोड देने को मिल जाएगा, प्लस इंटरफेस स्टाइल का जो ऑप्शन है। या पर सैबरा को एनेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है लाइव फोटोज का ऑप्शन है, मैक्सिमम जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट इस गोल्ड कैमरा के साथ जो 16x तक जूम का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो इसे इनेबल कर सकते हो, इसे इंक्रीज कर सकते हो। या पर डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, पर इनेबल ऑटोमेटिक नाइट विजन का ऑप्शन है, ओएस का ऑप्शन है। या पर जो डायनेमिक फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर डी से P3 कलर का ऑप्शन है, प्लस ये पर जो है डार्क मोड का ऑप्शन है। पर मल्टीपल लेंस को एनेबल करने के जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है सिंपली वाइड एंगल लेंस एंड यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अगर आपके डिवाइस के ऊपर टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट है। तो यहाँ पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, फोकस सेंस को ऐड किया गया है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोलेस का सजेशन का ऑप्शन है, डिशेस का ऑप्शन है। यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एडवांस सेंस के ऊपर जो है एचडीआर कंट्रोल, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, एनेबल टाइम लैप्स फॉर
एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, सेफ सेल्फी से स्पीड बू प्लस सपोर्ट जो है, बिट रेट के ऊपर जो है 120 Mbps का सपोर्ट जो है ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है अगर आप जूम करोगे तो ऊपर जो है बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, प्लस बीट रेट टाइम लैप्स का ऑप्शन है, 100 Mbps तक जो है वीडियो का जो बीट रेट है उसे इंक्रीज करने का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, प्लस एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर जो है डेवलपर एसेंस को ऐड किया गया है, पर जो डेवलपर एसेंस के साथ जो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, किस तरह से डेवलपर एसेंस के साथ नया नया फीचर्स को एनेबल करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, सिंपली गूगल के मन का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।